हेलो फ्रेंड्स, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी साथियों को स्कूल छोड़कर जस्ट अभी बैठी हूँ। आके पानी नहीं पिया है मैंने, मम्मी ये नहीं, दिया को दूध पिला रही थी क्योंकि आज दिया का है स्कूल में फर्स्ट डे, तो दिया को जल्दी उठाना तो जरूरी था। और देखिए इतनी जल्दी है इसको स्कूल जाने की कि बिना नहाए बिना ब्रश किए इसने उल्टी अपनी सैंडल भी पहन ली जो इसके लिए कल रात को लेकर आए थे। पहले इसने खुद ही पहन ली थी उल्टी, हाँ उल्टी सैंडल पहन ली थी गलत पैर में। और अब कह रही है अभी वाली बिना दो, बिना नहाए देना कि गंदी सी रहती है। एक नहीं था बाबू, नहाए नहीं करके सुंदी बन जाओ फिर ही तो जाओगे स्कूल। प्यार आए गंदा बच्चा बन के जाओगे। मैडम को कैसे बोलोगे चुचू आई है? फिर दिया स्कूल नहीं जाएगी। मैडम को कैसे बोलेगा बाबू सुसु आई है? अच्छा दिया इधर तो बता दो, अगर स्कूल में सुसु आए तो मैम को कैसे बताओगे? तो मैडम को कैसे बोलोगे मैम चुचू आई है? ऐसे तो चले देखते कैसा रहेगा इसका फर्स्ट डे। तो पहले तो उसको तैयारी कर लेते गाइस, इसको सारा समय देके बैग वगैरह बनाते, देखते गाइस इसका पहला दिन कैसा जाता है। तो इसको बस रेडी कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। सातवीं का भी गाइस पहला दिन था ना, तो उसके भी चार पांच डब्बे बन गए थे, इसके तीन बने हैं, छोटी है ना। तो बस अभी बैग लेकर आना है, आज बैग भी ले आएंगे नया ही, तो बहुत छोटा है इसमें आ नहीं रहा सामान। और एक में लंच बॉक्स था, इसमें वाटर बॉटल थी, एक में था ये शूज सैंडल। चलो दिया तैयार होते बेटा। देखिए गाइस इतनी सी बच्चे का इतना बड़ा बैग, आई मीन इतना भारी, देखना पूरा फुल हो गया, बुक्स लंच बॉक्स। और दिया भी रेडी है, दिया चले चलो बाय बाय। देखिए गाइस मुझसे भी नहीं बोल रही, खुद ही बाय बाय खुद ही जाएगी। वाहेगुरु जी पापा जी, वाहेगुरु जी बोल रही है, बाय बाय करो पापा को, वाहेगुरु जी पापा जी। अब दुकान पे चले जाना, बोल दो शॉप पे चले जाना, अभी तो बहुत जल्दी है, बाद में देखते हैं। हेलो चलो गाइस, मैं आगे दिया को छोड़ के सातिक को स्कूल छोड़ के आती तब इतना नहीं थकती क्योंकि स्कूटी पे जाती हूँ। इसको गई थी मैं पैदल लेकर क्योंकि मैं स्कूटी पे इसको बिठा नहीं सकती, तो अब आई हूँ जस्ट, देखते हैं बैठी या नहीं बैठी। वैसे बैठ गई होगी क्योंकि हमारा फोन स्कूल के सीसीटीवी से कनेक्ट है, तो घर बैठे हम देख लेंगे दिया क्या कर रही है। अमित क्या कर रही है वैसे? दिया है, रो तो नहीं रही? नहीं रो तो नहीं रही, चुप है बैठी हुई है। बाकी हम देखते रहेंगे, जैसे रोएगी ना मैं फोन कर दूंगी स्कूल में कि सर भेज दो दिया रो रही है। मैंने इस स्कूल की यही चीज अच्छी लगी गाइस कि हम ना घर बैठे बच्चों को देख सकते हैं कि हमारा बच्चा कैसे रह रहा है, कैसे वहां पे टीचर्स बच्चों का केयर कर रही है और रो तो नहीं रहे, खाना पीना जो हमने दिया है वो फिनिश करके तो चलिए। ये चीज भी अच्छी है, यही चीज देख के हमने दिया का एडमिशन करा दिया। गाड़ी चला रही है वो, आपको भी दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस कैसे गाड़ी चला रही है, ये बैठी ये है मेरी दिया, ये गाड़ी चला रही है। बाकी सब बच्चे, इसका फर्स्ट डे है गाइस इसलिए इसको थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंस मिली हुई है, जब ये चुप रह लेगी तो फिर इतना वो नहीं ध्यान देंगे। तो चलो ये तो सुकून है गाइस, मेरा बच्चा रो नहीं रहा, सही चीज देखी हमने कि टीचर आ गई, इसको निकाल दिया, बोल रही होगी निकाल दो। अब दिया को कहाँ लेकर जा रहे हैं? अच्छा गाड़ी में, अब ये गाड़ी में घूमने जाएगी, भैया खेलने गई है, गई मैम के साथ। चलो रो तो नहीं रही, ये भी सही है। देखा गाइस आपने कैसे दिया पहले बैठी हुई थी घोड़े पे, फिर उसके बाद गई है गाड़ी में झूलने, वो गाड़ी में ही ज्यादा खुश थी, रिमोट वाली गाड़ी भी है तो मैम उसको वहां पे घुमा रही है। कल भी वो वहीं पे थी जब एडमिशन कराने गए थे, बट सर ने और मैम ने बोला था कि इसको एडजस्ट होने में दो तीन दिन तो लग जाएंगे, बाकी आप ये मैं सोचे कि आपका बच्चा रोएगा तो बिल्कुल भी नहीं, बस यही चीज ठीक है। और हमने ये कनेक्ट टीवी में कर लिया सीसीटीवी। और गाइस देखिए मेरी दिया का अभी दिखाती हूँ, ये रही मेरी दिया सेकंड नंबर के डेस्क पर बैठे, पहले झूला झुलाने ले गए थे इसको गाड़ी में, नहीं सोसो तो नहीं गई होगी, गाड़ी में लेकर गए होंगे। ये रही मेरी प्यारी सी बेटी, चुपचाप बैठी है, जब मैं जाऊंगी ना तो रोएगी जरूर है ना अमित, क्योंकि इसको लगेगा हाँ मेरी मम्मी कितनी देर बाद आई है। तीन घंटे की क्लास है गाइस, देखते हैं कितने घंटे बैठती है, क्योंकि हमें फर्स्ट डे ही बोल दिया था, कल ही बोल दिया था कि अगर ये नहीं बैठ पाई तो आपको एक दो दिन आना पड़ेगा जल्दी लेने, अगर बैठ गई तो वो तो अच्छी बात है। बच्चों के साथ हाँ
मम्मी हम सब ऐसे बैठे हैं जैसे मूवी नहीं मैं देख रहे गाइस, ऐसे देखो मैं घिया भी यही काट रही हूँ, मैं इसी में यहीं पे बैठे बैठे देख भी लूंगी दिया को भी और सब्जी भी काट लूंगी। आज हमारे घर में बनेगी घिया चने की दाल। अभी दिया को ही पढ़ाई नहीं करेगी, अभी ऐसी मैं समझा रही हूँ। हाँ दिया के लिए पोहा बना था, दिया पोहा लेकर गई है। मैं जब तक सात्विक को छोड़ने गई थी तो इतनी देर में मम्मी ने बना दिया था दिया के लिए पोहा। मैंने कहा क्या खाएगी, कहती बैंगन। मैं कहा बैंगन नहीं खाएगी, आज घिया खाएगी। कहती घिया, दिया खाएगी घिया। देखते कितनी देर बैठती है, देखते हैं। और ये दिया कलर करती हुई सोच रही थी क्या करूँ, इसका मन नहीं लग रहा था गाइस, तो मैम ने बोला चलो आज से कलरिंग शुरू करा देते बुक्स में, अदरवाइज 2-3 दिन बाद शुरू होती है बच्चों को कलरिंग करना। और गाइस हम दिया को ले आए और आते ही दिया ने वहां तो कुछ नहीं खाया, और यहाँ पे आते ही हेलो कह रही है, यहाँ पे आते ही पुआ खा रही है। आज के दिन लेकर जाना था पुलाव, बट हमने पोहा बना दिया था क्योंकि ये भी हेल्दी होता है, और इसने आलू डाल दिए थे, खा लो। तो दिया को खाने देते हैं, माँ थोड़ा सा रोई थी गाइस, थोड़ा सा रोई थी ये, और फिर हम दोनों भागे। देखो गाइस बताएगी खुद ही, क्या क्या बता दो गाइस को क्या हुआ था। बाबू गुगू में चले थे, मम्मी घर आते थे, पापा जी गुगू में गए, लेकिन मम्मी गुगू में गए, बाबू आते लोले थी। तो गाइस मैं पापा जी को लेकर घूमी घूमी गई थी और बबू करके ऐसे रो रही थी। तो गाइस मेरे बच्चे ने पूरी स्टोरी बता दी आपको। गाइस खाना खाने का टाइम हो गया, आज मैंने मशरूम और मटर बनाए हैं, बच्चों को भी बहुत टेस्टी लगते हैं, मम्मी नहीं खाते इसलिए मम्मी के लिए बनाए हैं नमक मिर्च वाले पराठे, और मम्मी साथ में खाएंगी अचार और साथ में पिएंगी लस्सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप भी खाइए, अमित भी स्टार्ट कर रहे हैं, इनको तो बहुत भूख लग रही है। आ जाओ सात्विक जल्दी ऊपर आओ, दिया पिए, ये तो रोटी नहीं खाएगी, अगर इसको लस्सी दिख जाते ना गाइस, रोटी नहीं खाती। रोटी नहीं खाती, लस्सी पीती रहेगी, अब देखना इतना दुखी करेगी बहुत ज्यादा। नहीं इस पे खाना जी बैठे है ना, खाना जी खाना खा रहे थे टेबल पे। चलिए गाइस मैं अभी स्टार्ट करती हूँ, एलिफेंट कह रहा है। अच्छा कैट बोला बच्चे ने, मम्मी लेटी हुई है क्योंकि अभी अमित लेटे हुए हैं बेड पे, इसलिए बस 12:15 हो गए गाइस, चलते हैं अपने कमरे में सोने के लिए, फिर सुबह वही जल्दी उठना, मुझे बिल्ला लग रहा है। चलो चलते हैं, धीरे धीरे सब सीख जाएगी, अभी तो कुछ नहीं आता गाइस, इसको सिर्फ 10 तक काउंटिंग आती है। तो गाइस सोने का टाइम हो गया है, सब बिस्तर पे जा चुके हैं, सात्विक और दादी इधर सो रही है, बाकी हम तीनों बेड पे सो रहे हैं। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड यहीं कर लेते, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।